इतना अच्छे से प्लान करके रखा था, दे वर गोइंग टू स्टे और फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करके रखी थी, बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी। Well, hello everyone and welcome back to my channel. I hope you are doing fine. Well, वैसे तो आज एक संडे है, पर पता नहीं आजकल शेड्यूल ऐसा हो गया कि हर संडे को मैं जल्दी उठ जाता हूँ अपने टाइम के, कॉलेज के टाइम के हिसाब से, और फिर उसके बाद जितना भी कोशिश करूँ सोने का हो ही नहीं पाता है। आई थिंक ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स से होता है ना, कि एक बार वो कॉलेज को जल्दी उठने की आदत लग गई, फिर कॉलेज के टाइम पे नींद आता है, जिस दिन कॉलेज होगा उस दिन नींद आएगा, बट देन जिस दिन कॉलेज नहीं है उस दिन यू विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रस्ट्रेशन होता है थोड़ा बहुत, बिकॉज प्लान तो रहता है एकदम ऐसा 11-12 बजे तक सोऊंगा, आराम से उठूंगा, बट देन सुबह सुबह 8 बजे ही नींद खुल जाती है। वैसे हाँ, आज कोई मामूली संडे नहीं है, आज है मदर्स डे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश ऑल द मदर्स अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब कि मतलब हाउ मच अ मदर एक्चुअली डज फॉर देयर किड, मतलब कितना मेहनत, कितना सैक्रिफाइसेस जाता है एक बच्चे की देखभाल करने में, एंड इट इज़ ऑल्सो सेल्फलेस, एंड मतलब आई डोंट नो वॉट टू से, जस्ट थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि घर के बाहर आके एक छोटा सा वीडियो बनाने में इतनी खुशी मिल सकती है, स्पेशली ना संडे जब आप यूजुअली बाहर जाते हो कहीं रेस्टोरेंट में या फिर किसी मॉल में कहीं घूमने के लिए, कोई नई जगह देखने के लिए, वैसे वाले संडे पे बस अपने घर के बाहर आके एक छोटा सा वीडियो बनाने में इतनी खुशी मिलेगी, कभी नहीं सोचा था। बट नहीं, क्वारंटीन ने सब कुछ बदल दिया है सबके लिए। सो एनीवेज गाइस, आपने तो टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैंने कहा था कि आई वॉज सपोज टू मीट माई पेरेंट्स, सो लेट मी टेल यू लिटिल स्टोरी अबाउट दैट। ओके सर, आज यानी कि 10th of May को माई पेरेंट्स एंड आई वर गोइंग टू बी टुगेदर। कल मतलब लाइक 9th of May को दे वो सपोज टू लैंड इन न्यूयॉर्क, और फिर मैं उन्हें पिकअप करने जाने वाला था। वो यहाँ पे आने वाले थे स्पेशली बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन है फ्राइडे को, तो फिर दे वांटेड टू जस्ट स्पेंड अ वीक हियर बिफोर माय ग्रेजुएशन, जस्ट गेट यूज टू थिंग्स, एंड देन वो लोग आने वाले थे मेरे कॉलेज में टू अटेंड माई ग्रेजुएशन, एंड इट वॉज गोइंग टू बी ग्रैंड। मतलब सब कुछ इतना अच्छे से प्लान करके रखा था, दे वर गोइंग टू स्टे हियर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करके रखी थी, बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी, आई हैड प्लान टू ड्राइव देम टू नायग्रा फॉल्स, या फिर उसके बाद वी हैव सम रिलेटिव स्टेइंग इन मिशिगन, तो हम लोग वहाँ पर जाने वाले थे। ऑल्सो आई वांटेड टू शो देम अराउंड वॉशिंगटन DC, व्हाइट हाउस वगैरह लेके जाने वाला था, और बहुत कुछ प्लान करके रखा था, बट देन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो फिर मैंने सोचा कि आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ, बिकॉज इनकेस यू हैव प्लान, या फिर अगर आपने कोई टिकट बुक करके रखा है फ्यूचर में, तो फिर हाउ टू गो अराउंड विद दैट। तो जितना मुझे अभी तक पता चला है, माई डैड कॉल्ड एयर इंडिया क्योंकि उनका टिकट एयर इंडिया का था, फिर एयर इंडिया ने ऐसा बताया कि अभी वो लोग फुली रिफंड तो नहीं दे रहे, बट वॉट दे आर डूइंग इज यू कैन रिटेन योर टिकट, मतलब आप सेप्टेम्बर तक, इन माई पेरेंट्स पर्टिकुलर केस, आप सेप्टेम्बर तक जाके वो बुक कर सकते हो वापस, मतलब यू कैन टेक अनदर टिकट, आप वापस आने वाले दिनों के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, एंड दे कैन कम बैक विद द सेम टिकट। शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कॉस्ट भरना पड़ेगा, बट देन मेनली जो टिकट होगा वो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी उसमें भी एक ट्विस्ट है, लाइक पहले उनका टिकट जो था वो था कैथे पैसिफिक का, बट देन जब ये कोरोना जस्ट नया नया शुरू हुआ था, तब मैंने देखा कि वो कैथे पैसिफिक वाली फ्लाइट जो थी वो हांगकॉन्ग से होते हुए जा रही थी, सो आई हैड टू कैंसिल दैट फ्लाइट, बिकॉज हांगकॉन्ग उस टाइम पे एपिसेंटर था, और फिर वहाँ से आना थोड़ा बहुत डेंजरस हो जाता उनके हेल्थ के लिए। तो फिर व्हाट आई डिड इज़ आई कैंसिल द टिकट, एंड देन आई बुक्ड अ डायरेक्ट नॉन स्टॉप टिकट फ्रॉम मुंबई टू न्यूयॉर्क एयर इंडिया वाला, बट देन कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है हमेशा, तो वैसा ही कुछ हो रहा है इट सीम्स। ऑनेस्टली दुख तो बहुत हो रहा है, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू मीट दम, आई वॉज गोइंग टू मीट माई पेरेंट्स आफ्टर 8 months, और इससे पहले मैं कभी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा टाइम के लिए दूर रहा नहीं हूँ। मतलब जो भी कॉलेज वगैरह किया था मैंने, जो भी मेरा बैचलर्स डिग्री था, वो सारा मुंबई में ही था, अपने घर के आसपास ही था, तो फिर इतना लंबा ट्रैवलिंग है, फिर इतना दूर रहा नहीं हूँ कभी उनसे, सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उनको मिलने की, उनको न्यूयॉर्क दिखाने की, जितना मैंने एक्सप्लोर किया है वो सारी जगह, और फिर और कई नई जगह दिखाने की, बट देन अभी क्या कर सकते हैं, मतलब फाइन इज ऑल आई कैन से। एनीवेज, सो व्हाट आई हैव डन इज, बिकॉज स्पेशली इट्स मदर्स डे, तो फिर मैंने अपनी मॉम के साथ एक जूम कॉल सेटअप किया, डैड को बोला था पूरा अच्छे से सेटअप करके रखने के लिए, तो फिर लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक टू वाइफ फॉर अ मिनट, बिकॉज ऑन टुडेज डे शी हैज टू कम ऑन द वीडियो। to us I don't know what to do.
ऑल राइट, सो फाइनली आई के साथ जूम कॉल सेटअप हो गया, तो लेट्स टॉक टू आई फॉर सम टाइम नाउ। हाय आई, मैं अभी बस वो लोग को बता रहा था कि कैसे आज इस टाइम पे अगर ये सब नहीं होता कोरोना वगैरह, तो हम लोग अभी साथ में होते न्यूयॉर्क में, यू गाइस वुड हैव बीन हियर, फिर हम लोग बाहर जाते, बाहर घूमते, आई वुड हैव शोन यू सो मेनी न्यू प्लेसेस इन न्यूयॉर्क, और फिर हम लोग लंच वगैरह करने जा सकते थे या फिर डिनर करने जा सकते थे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, स्पेशली फॉर मदर्स डे। बैड लक, क्या कर सकते हैं। एनीवे, सो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे। आई नो अभी ऐसा जूम कॉल पे ही करना पड़ रहा है, बट देन जो भी है, जैसा थैंक यू आरती, विश यू, थैंक यू, यू आर वेलकम। आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मतलब थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर बाय माय साइड, थैंक यू फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर फ्रॉम, thank you for always taking care of me, and then you know like always supporting with me with my bike adventures, with my car adventures, ya fir jo bhi main trips pe jata tha, also always thank you for being there, especially when I chose to go for such a different stream and do such different things, thanks a lot. Or there are so many things that you have done jiske liye main thank you nahi bol sakta, but like just thanks a lot. I am also proud of you. I am proud of you. Thank you. Bye. Hello, Kalji ke. Bye. Hello. All right, so that was all from I know थोड़ा बहुत बीच बीच में नेटवर्क आता जाता रहता है, बट देन दैट हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग फॉर अस, स्पेशली व्हेन यू टॉक टू हर, मतलब या फिर मैं कोई भी दोस्तों से बात करूँ, देयर इज अ वेरी स्मॉल मिलीसेकंड का पॉज, तो फिर उसकी अभी आदत हो गई है। ऑल राइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको ये छोटा सा और सिंपल सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू ऑल बिकॉज यू गाइज आर लाइक माई फैमिली एंड आई शेयर एवरीथिंग विथ यू। ऑल्सो आई कैन नॉट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई वॉज टू हैव माई पेरेंट्स हियर इन द US एंड शो देम अराउंड, और फिर उनके साथ घूमने के लिए, उनके साथ न्यूयॉर्क देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आई कांट इमेजिन कि मैं इन्हें क्या क्या सोच के रखा था इन टर्म्स ऑफ व्लॉग्स, कि मैं उनके साथ व्लॉग बनाऊंगा, स्पेशली विथ माई मॉम एंड डैड टुगेदर, और फिर बहुत सारी मस्ती करेंगे। बट देन ठीक है, अभी नहीं तो आने वाले टाइम में, लेट्स होप आने वाले टाइम में वैसा कुछ साथ में करें। एनी वेज गाइज, आई होप यू गाइज enjoyed this vlog, and if you did, do hit the like button. If you didn't like it for any reason, you can hit the dislike button also. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करते करते बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर आती रहे। ऑल्सो डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है वहाँ पर, और फिर मैं अपने कुकिंग वगैरह के एडवेंचर्स वहाँ पर डालता रहता हूँ। सो डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अभी आने वाले व्लॉग्स में आपको ज़रूर बताऊँगा मेरा ग्रेजुएशन कैसा होता है, या फिर ऑनलाइन होता है, या फिर किस तरह से होने वाला है, सब आपको आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। तो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट। और जाते जाते एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा पीस बनाया, देख के जाना। मम्मी, हाय मां, यू फॉर ऑल दैट यू डू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।